हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी तक मैंने रिवीजन की 3 वीडियो अपलोड की हैं और मुझे लगता है कि शायद आपको इससे फायदा हो रहा, तभी आप लोग कंटिन्यूसली इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 4th वीडियो का। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल की ग्रोथ चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि लगातार ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी वीडियोस मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ला रहा हूँ, उन वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, जो भी आपके चाहने वाले हों या फिर जो पढ़ाई कर रहे हों अभी, उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 4th वीडियो का सेशन। तो आज हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल से। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला गया है? मान लीजिए यहां से ये गया है आपके लिए D1, ठीक है। इसमें मैं 4-5 पॉइंट सारे बता दूंगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर लें आराम से। ये साइड हम लोग ले लेते हैं A, ठीक है। ये वाली ले लेते हैं हम लोग B, ये वाली ले लेते हैं हम लोग D। कुछ आपको हो सकता है एक आध फॉर्मूले मालूम हो, कुछ आपको नहीं भी मालूम हो सकते हैं, तो देखते रहिएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि D1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है, D1 का। एक सेकेंड, मिटाल देते हैं इसको। हाँ, तो ये क्या है, जो पहला डायगनल है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अनपैरेलल साइड, इट मींस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2, और मल्टीप्लीकेशन किसकी होगी, जो पैरेलल साइड है, ए इंटू बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया, इसी वाले डायग्राम को मिटाना चाहता हूं आपको। इसी में कुल मैं 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा। पहला हो गया, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला हो गया, अगर मान लो आपको ये पी क्यू जो है ना, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, यहां पर पी है, यहां पर क्यू है, ठीक है। और यहां पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एस और टी। ध्यान से देखिएगा, पी क्यू कहां पर है और एस टी कहां है। मान लो ये पी और क्यू जहां पर टच कर रहे हैं साइड सी और डी को, अगर वो मिड पॉइंट हैं, अगर वो मिड पॉइंट्स हैं, तब आपका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/2 ए बी प्लस सी डी, यानी कह सकते हैं हम ए प्लस बी, ठीक है ना। नाम नहीं भी रखे हुए, ABCD नाम रख सकते हैं आप इसका, ठीक है। बाई चांस अगर ये मिड पॉइंट नहीं है, अगर मिड पॉइंट नहीं है, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 a into b upon c plus sorry a b, है ना। तो a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, जब ये मिड पॉइंट ना हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, यहां साइड में बता देता हूं मैं तीसरी चीज क्या नोट करने वाली है इसकी, एस टी की वैल्यू क्या होगी। तो एस टी की वैल्यू कई लोगों को मालूम होगी, क्या होगा, 1/2, और इन दोनों साइड का डिफरेंस जो भी हो ना, तो क्या ए बी माइनस डी सी, मतलब ए माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो अगला हमारा थ्योरम या कंसेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ए बी मतलब जो मैंने भी लास्ट चीज बताई ए माइनस बी, उसमें जो बड़ी होगी आप उसको पहले रखेंगे, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस लेना है 1/2, ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो भी हो आपका उसको ले लेना है। एक ट्रेंगल ये उठाते हैं हम लोग, ये ट्रेंगल हो सकता है आपके बहुत काम है। ये हमारा एंगल बाय सेक्टर दिया हुआ, ठीक है। इसकी लेंथ दी हुई है एक्स, ये है बी, ये है सी, इसको मान लो एम, इसको मान लो एन, ये मान लो बी और ये मान लो सी, ओके। अब अगर हमें इसमें से एक्स स्क्वायर निकालना हो, निकालने कुछ भी पूछ सकते हैं, पर मैं आपको पूरा फॉर्मूला बता दे रहा हूं। उसमें जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसको पुट कर लेना, बाकी जो निकालने का उसे निकाल लेना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू सी माइनस एम एन। कभी कभी क्या होगा कि बी और सी सेम दे रखे होंगे, तो उस हिसाब से आप हैंडल कर लेना। मैं चाहता तो आपको पॉलीगन के फॉर्मूले भी बता सकता था, लेकिन अभी उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए जो साइन वाले फॉर्मूले हैं वो याद करना,
तो आप एक तरफ से मेरे हिसाब से लिखते चलें ताकि आपके नोट्स भी बन जाए और याद भी हो जाए आपको। इसलिए मैं आपको करार बनना चाहता तो ऐसे ही फोटो खींच के आपको दे सकता था, लेकिन साथ में करार दो तो इसे अभी यहां याद करेंगे आप, फिर नोटबुक्स में नोट करेंगे अपनी। देखिए साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2√2। और ये भी दिमाग में रखना कि साइन 15 है मतलब ये कॉस 75 है। ओके, दोनों चीज ध्यान रखते चलना है। इसी में अगर मैं कह दूं कि कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे कुछ नहीं, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ओके, ये एरो का साइन है, यही चीज क्या हो जाएगी साइन 75 हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि टेन 15 की वैल्यू क्या होगी, अब बोले हाँ ये तो इजी बताना, क्या इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, मतलब अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। ऐसे ही चौथा पांचवा, कॉस 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखते जाना यहां सिमिलरिटी मिलेगी आपको, कॉस 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। ठीक है, ये कॉस 18 की वैल्यू है। अब देखिए यहां पर मजे वाली बात, 10 की निकालोगे आप इन दोनों डिवाइड कर दोगे, यहीं पर देखिए। अब हम जाते हैं किस पर, साइन 36 पर जाते हैं, तो साइन 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 था, तो साइन इसकी वैल्यू देखो, साइन में दोनों तरफ माइनस ही है, 10 माइनस 2√5, तो कॉस 36 की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस में देखो प्लस था तो यहां भी प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। क्लियर है, ठीक है, ये चीज हो गई। इसी में दो तीन और बस फिर खत्म करते हैं इसका, साइन और कॉस वाले जितने फॉर्मूले हैं याद कर लेते हैं। एक साइन 42 अपॉन 2, इसे कह सकते हैं हम साइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, कॉस 45 अपॉन 2 की बात करें तो क्या इतना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2। हमने देखा अभी कि कॉस में ज्यादातर जगह प्लस ही आ रहा है। ठीक है, टेन का पता करें, टेन वाले में देख लेना, टेन वाला ये यूज हो जाता कई जगह, इस पर स्टार बना देता हूं क्योंकि ये जब यूज होगा ना तो आप रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये अंडर रूट है, इसकी एक फॉर्म क्या हो जाएगी, और ऐसे ले सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, एक जगह क्या हुआ अंडर रूट, देखो यहां पर मैंने जब आपको डिवाइड करके सिखाया था, ये नोट कर लिया आपने, जब 10 15 की वैल्यू निकाली थी तो आपने देखा होगा क्या आई थी, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 माइनस रूट 3, या क्या कह सकते हैं, कॉट 75 कह सकते हैं, 75 यहां 15 है तो 90 माइनस 15 75 हो जाएगा, तो कॉट 75। और अगर हम कहें कि टेन 75 क्या होगा, तो टेन 75 के लिए 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा नहीं, कॉट 75 ये है तो टेन 75 ये हो जाएगा। तीनों चीजें, ये सारी चीजें नोट कर लेना। अगर आपको कॉट 15 निकालना हो, मान लो कॉट 15 निकालना हो, 75 उसी से तो आया कॉट 15 से, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा ये वाला, देखिए यहां पर इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट 15 आ जाएगा ना ये। ठीक है, तो जैसा जो चाहिए आपको वैसा नोट कर लेना आप, जैसे आपको सुटेबल हो याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने बात करी थी, एक क्वेश्चन था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, वो वाला निपटा देते हैं पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, वीडियो कितनी हो गई, वीडियो 9 सेकेंड की हो गई है, ये वाला साइक्लिक वाला, बस एक सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके भी सिखाऊंगा। ठीक है, ये यहां पर सेंटर मान लेना। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट ऐसे मिला दिया, ये पॉइंट ऐसे मिला दिया, यहां ले लिया ई। ठीक है, ये गिवन है हमको 70। ओके, ये ए मान लो, ये ओ मान लो, ये बी मान लो, ये जेड मान लो,
ये पाई, ये एक्स, ये वाला पाई हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है दोनों, और ये वाला एक्स सेलेक्ट कर लो, ये वाला एक्स, ठीक है ना, और यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये लाइन है यहां पर एक्स एक्स, ये जेड, तो ये भी जेड हो गया, ठीक है। और हमसे पूछेगा ये वाला एंगल बताओ क्या है। तो देखो एक तो डायरेक्ट चीज है आपकी, डायरेक्ट चीज क्या है, आपको निकालने को कहेगा कि बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्वेश्चन मार्क वाला एंगल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस 2 इंटू जो ई वाला एंगल है, मतलब 70, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब मैं थोड़ा आपको खुल के बता देता हूं सारी चीज, ध्यान से देखिए, ये एक्स है, ये बाई है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस बाई। ये एक्स है, ये जेड है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस जेड। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका, देखिए एक ये, एक ये, और ये वाला ट्रेंगल हो गया, सॉरी, एक ये और एक ये, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 180 माइनस एक्स प्लस जेड प्लस 70 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा ना, इस ट्रेंगल में, ये वाला ट्रेंगल जो है, ये वाला ट्रेंगल। अब 180 से 180 काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 250। और यहां से हम देखें, अगर थोड़ा सा नजर घुमाएंगे तो आपके पास वाई प्लस जेड, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 110 जाएगा। अभी बताता हूं कहां से आया, देखिए ध्यान से, ये वाले ट्रेंगल में देखिए, ये वाले ट्रेंगल में वाई प्लस जेड अगर हम निकाल दें तो हमारा ये 70 हो जाएगा, देखिए ए बी ई, ठीक है, ट्रेंगल ए बी में ध्यान से देखेंगे तो एक वाई जेड एंगल है और जेड एंगल है और एक हमारा 70 है, ठीक है। अगर हम 70 को हटा दें तो इसका सम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको 110 यहां पर रख देता हूं, 2x प्लस 110 इक्वल टू 250, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 70, x हमारा 70 आ गया। तो हम लोग बाकी चीजें निकाल लेंगे, एंगल सी ओ डी, ठीक है ना, ये सी था और ये डी था, तो हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 70, ठीक है, निकल जाएगा ना। अब यहां पर मुझे मत पूछने लेना कि 2 इंटू 70 कहां से आ गया, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है ना, तो एक्स इंटू एक्स मतलब 2x, 2 इंटू 70, तो यहां से भी आपका आंसर आ गया 40, ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं भी थक गया हूं काफी, 1:30 बज रहा है, दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। बाकी वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।